एक तरफ जहां योगी सरकार अपने आप को गरीबों की सरकार बताती है, तो वहीं दूसरी तरफ गरीबों पर अत्याचार का सिलसिला है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोटेदारों और प्रधानों की मनमानी की वजह से गरीब परिवार के लोग भुखमरी का शिकार हो गए हैं। आज फिर आजमगढ़ शहर क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला नरौली के करीब गरीब परिवारों की औरतों ने जिला प्रशासन से अपने हक न मिलने की वजह से गुहार लगाई है कि हम गरीबों के ऊपर स्थानीय कोटेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, हमें राशन नहीं देता है। साथ ही ये भी कहा कि पात्र लोगों को छोड़ अपात्र लोगों को राशन देने का काम किया जाता है। हमारी मांग यही है कि हमको गल्ला नहीं, एक साल से नहीं मिल रहा है। हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत लाचार हैं, हमें नहीं मिल रहा है। अब ये कर्मचारी जाने, हम क्या जाने। हम जाते हैं कंट्रोल पर कोटा पर गल्ला लेने, तो कहते हैं जाओ नगर पालिका में इनकी दस्तखत कराओ, उनकी दस्तखत कराओ। हम किसके पास जाएं, आते हैं लौट के फिर घर जाते हैं, गल्ला नहीं मिलता है, गल्ला नहीं हमको मिलता है। बोलते हैं कि नहीं उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। मैं यहाँ वहाँ 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 भटकती रहती हूँ, तभी मेरा काम नहीं होता है। कभी नहीं मिला मुझे गल्ला, एक साल से नहीं मुझे गल्ला मिलता है। अब पता नहीं कहाँ जाता है गल्ला, मुझे नहीं मिलता तो मैं मुझे क्या मालूम कि गल्ला किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं। हम मैं दुखी हूँ तो मैं जानती हूँ कि सबको ही दुखी है। भरने वाले को भरते हैं, जलने वाले को जलाते हैं। अच्छा, मेरा जल रहा है। अच्छा, मैं दुखी हूँ, लाचार हूँ। भूतपुर सभासद नरौली। राशन कार्ड जिनका जिनको नहीं मिलने योग्य है वो पा रहे हैं, अंत्योदय वाले में भी पा रहे हैं। जो लोग हैं यहाँ गरीब को लेके आया हूँ वो लोग भी नहीं पा रहे हैं, हैं और तमाम लोग भटक रहे हैं, कभी दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे हैं। कोटेदार भी नहीं है, राशन कार्ड पुराना बना हुआ है और ऑनलाइन कराया गया वो भी नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि जब ऑनलाइन करा के नगर पालिका से आएगा जिला आपूर्ति से तब आपको राशन मिलेगा। नहीं, लोग गए कहें बनेगा बनेगा, आज तक आश्वासन देते रह गए, बना नहीं। नरौली में जान ही रहे हैं कि नरौली वाले कई बीघा एक बीघा के कसकार नहीं है। हाँ, राशन मिलता है वो कितने धनी हैं। अब जैसे मान लीजिए वहाँ कितने लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, हैं उनको भी मिलता है अंत्योदय में, और अन्य लोगों को मिलता है। अब हम सोचते हैं कि यानी कि जो गरीब लोग नहीं पा रहे हैं कम से कम उन गरीबों को तो राशन मिले ये करके।